अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ, जो कि मौजपुर पिजन लवर में दूसरी वीडियो है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं अभी फ़िलहाल बाजू की गांठों के लिए ही इलाज बताऊंगा। और भाई आज जो मैं इलाज बताने जा रहा हूं कबूतर के बाजू में, पैरों में, और भाई जोड़ पे जो बाजू के हो जाती है ना चर्बी वाली गांठ, भाई उसका प्रॉपर तरीका और पूरा इलाज जो है बेटर, जो मैंने खुद यूज़ करा है, वो आपको बताने जा रहा हूँ भाई। तो देख सकते हैं आप, मेरे हाथ में ये कबूतर भी हैगा, आप कबूतर भी देख सकते हैं, कासनी पटेल कबूतर है। इसके जो है बाजू में गांठ हो गई है, देखो ये बाजू की गांठ है, चर्बी वाली गांठ है ये। इसे भुलाने का तरीका जो मैं है आपको पूरा बताऊंगा। पहले तो आप ये फ्लाइजिल गोली होती आती है 400 mg, और दूसरा जो है ये है सैलून बाम, जो कि मूछों वालों के नाम से जाना जाता है, और तीसरा है एवियन 200 mg है कैप्सूल एवियन। तो पहले तो हम अपने कबूतर को दाना खिलाने के बाद फ्लाइजिल 400 mg का चौथाई हिस्सा, जो कि कबूतरों की शुरुआत में पता चल जाता है कि कबूतर के बाजू में गांठ हो रही है चर्बी वाली, उसके लिए दाना खिलाने के बाद 400 mg का चौथा हिस्सा एक कबूतर को देना है दाना खिलाने के बाद। और फिर दूसरा दोस्तों ये सैलून बाम, इस बाम को हम लेकर इस तरह से अपनी उंगली पे ले लेंगे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर, ये बहुत हार्ड बाम होती है। अगर कोई जिम करने वाला भाई होगा तो उसे ये भी पता होगी, जिम में यूज़ होती है ये। इस तरीके से कबूतर के हम लगा देंगे। ये पहले बहुत ज़्यादा थी गांठ, अब ये कम हो गई है। देखिए कबूतर के इस तरह से मलकर छोड़ देनी है। ये जब तक कबूतर की गांठ ख़त्म ना हो तब तक ये बाम लगानी है, और 8 से 10 दिन ये वाली फ्लाइजिल गोली 400 mg का चौथा हिस्सा कबूतर को देना है। फिर चाहे तो आप एक दिन बीच करके दे सकते हैं। और इस गोली से ये एवियन 200 mg का पत्ता है, इस गोली से कैप्सूल से आपका कबूतर के अंदर जान बनी रहेगी, क्योंकि फ्लाइजिल जो है वो कबूतर को खाली करती है, फैट काटती है, चर्बी घटाती है, तो कबूतर कमज़ोर हो जाएगा। आप इस एवियन का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका कबूतर हल्का होने लगे, या आपका कबूतर कमज़ोर है तब भी कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। ठीक है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी कोई भी नेक्स्ट वीडियो आने वाली आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और भाई मैंने अभी नया चैनल चालू करा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे कि मेरे काम करने का तरीका और अच्छा हो।